नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 6 नवंबर 2019 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। एजुकेशन भास्कर स्पोर्ट्स करियर सिलेबस में शामिल होगा स्पोर्ट्स, स्कूल से ही कर पाएंगे अब सफल प्लेयर बनने की शुरुआत, CBSE स्कूलें। स्कूल प्राध्यापक भर्ती फर्स्ट ग्रेड की तिथि घोषित, विरोध के उठे स्वर, हजारों होंगे परीक्षा से वंचित। चुनाव के दौरान BLO व BED की परीक्षा में रहेंगे व्यस्त, अचानक तारीख घोषित करने से अभ्यर्थियों ने दर्ज कराई आपत्ति। RPSC फर्स्ट ग्रेड 2018 अजमेर, अभ्यर्थियों से 15 तक ऑनलाइन जिला आवंटन का विकल्प मांगा। बीकानेर शिक्षा विभाग शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018। राजस्थान लोक सेवा आयोग 5049 अभ्यर्थियों में से 2644 रहे अनुपस्थित, आज अंतिम पेपर। ITAP उपाचार्य अधीक्षक परीक्षा 2019 अजमेर, शिक्षा विभाग शिक्षक और विभाग के बीच की कड़ी टूटी, DO के 456 में से 200 पद खाली। जयपुर NIT उत्तराखंड के 622 छात्र है MINIT से अगले सत्र में श्रीनगर कैंप्स में शिफ्ट होंगे। जयपुर शिक्षकों की समस्याओं पर शिक्षा निदेशक से वार्ता। बीकानेर शिक्षा विभाग नई रीट भर्ती एवं अन्य शिक्षक भर्तियां तैयारी। 8 नवंबर को UIT ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री चले विद्यालय की ओर कार्यक्रम कोटा से शुरू होगा, मंत्री डोटासरा भी आएंगे कोटा। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति पर एक राय नहीं शिक्षाविद, दोनों पक्षों ने दलीलों के साथ रखी अपनी बात। नई शिक्षक नीति 2019 उदयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, राजस्थान हाईकोर्ट न्यू वैकेंसी। तबादले के बाद ज्वाइन नहीं करने वाले 93 लेक्चर्स पर अब कार्रवाई की तैयारी। जयपुर शिक्षा विभाग लेक्चर भर्ती। शिक्षा विभाग लंबे समय से नहीं हुई पदोन्नति, नियमों में नहीं हुआ संशोधन। पदोन्नति में पिछड़े पुस्तकालय अध्यक्ष सहित शारीरिक शिक्षक एवं ड्राइंग टीचर। बीकानेर शिक्षा विभाग कार्य मुक्त, 381 प्रिंसिपल नहीं पहुंचे स्कूल, अब कार्रवाई होगी। जयपुर पढ़ाई लिखाई में पहली बार जयपुर नंबर 1, हनुमानगढ़ को पीछे धकेला। जयपुर शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर वर्ष 2019 की उत्तर पुस्तिकाओं बाबत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी पाठ्य पुस्तक पुरस्कार योजना, नई दिल्ली भारत सरकार। विश्वविद्यालयों को 11वीं बार मिली ऑल इंडिया कैंकिंग और कैनोइंग स्पर्धा की मेजबानी, आएगी 30 टीमें। उदयपुर सुकाड़िया विश्वविद्यालय बोर्ड परीक्षा में मेधावी छात्राओं को मिलेगा इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड। भीलवाड़ा UGC नेट दिसंबर 2019 के एडमिट कार्ड 9 को जारी होंगे, परीक्षा 2 से 6 दिसंबर तक। उदयपुर राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन 10 से। धौलपुर सुविधा 12वीं का परीक्षा परिणाम आने से पहले दे सकेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा, अब 10वीं के बाद होगा CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन। धौलपुर व्यवसायिक शिक्षा में उत्तीर्ण स्टूडेंट्स को रोजगार का मौका, महारानी स्कूल में संभाग स्तरीय रोजगार मेला कल। बीकानेर लंबे अरसे बाद स्पोर्ट्स बोर्ड की मीटिंग आज, खेल सुविधाओं ढांचागत विकास के मुद्दे होंगे अहम, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। समसामयिक के सवाल, इंडियन नेवी ने नाविक के 2700 पदों के लिए 2 कैटेगरी में 18 नवंबर तक मांगे आवेदन। सीकर भर्ती की खबर, 138 टीचर्स व अन्य पदों के लिए 11 नवंबर तक मांगे ऑनलाइन आवेदन। सीकर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के 700 पदों के लिए 1 दिसंबर तक करे आवेदन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। जयपुर भर्ती की सूचना, ग्रामीण डाक सेवकों के 3650 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। सीकर दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आएंगे, कुमार विश्वास बिखेरेंगे काव्य रंग। अजमेर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कोचिंग संस्थानों की फीस पर लगाम के लिए बनाया जाए फीस एक्ट। जयपुर
अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले शैक्षिक सम्मेलन की तिथियों पर विवाद, जयपुर। शिक्षाविदों ने कुलपति की नियुक्तियों में मीणा यादव गुजरों की उपेक्षा करने का मुद्दा उठाया, जयपुर। 14 साल बाद चुना जाएगा आरयू शिक्षक संघ का नया अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर। विश्वविद्यालय 4 विषयों में सर्टिफिकेशन कार्यक्रम शुरू, उदयपुर। अब 9 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर। जॉब अलर्ट, सी डेक हैदराबाद ने प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 16 पदों के लिए आवेदन मांगे। सरकारी योजनाओं में 45 विद्यार्थी करेंगे इंटर्नशिप, जयपुर। नीट परीक्षा गरीबों के हित में नहीं, केंद्र सरकार को नीट के औचित्य पर पुनर्विचार करने की सलाह, नीट यूजी 2019 कोटा। श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हर साल होगा पुरस्कृत, कोटा। इग्नू बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 9 को महिला पीजी महाविद्यालय केंद्र पर होगी आयोजित, जोधपुर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्कर्ष की एक और पहल, जोधपुर। उत्कर्ष क्लासेस, विश्वविद्यालय के संकायों में कर्मचारी उतरे आंदोलन पर प्रशासन को दिया अल्टीमेटम, जोधपुर। प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ डिफेंस स्टेट ऑफिसर व्यक्तिगत रूप से पैसों, जोधपुर हाईकोर्ट। युवा सम्मेलन का आयोजन, स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, अजमेर। शिक्षा विभाग कार्मिकों को पुत्री के विवाह पर मिलेंगे 11,000, हितकारी निधि से दी जाएगी राशि, अजमेर। सीबीएसई की प्रायोगिक परीक्षाएं और आंतरिक मूल्यांकन 1 जनवरी से, स्कूलों को 7 फरवरी तक करानी होगी संपन्न, अजमेर। 50% तक रही आयोग की परीक्षाओं में उपस्थिति, आरपीएससी, अजमेर। विद्यार्थियों ने दी सीएसआईआर नेट आधारित ऑनलाइन परीक्षा, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर। ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग एक्सपीडिशन कैंप शुरू, अजमेर। 1 कुलाधिपति पदक, 32 विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक व 18 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री देंगे राज्यपाल, एमडीएस विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह 3 दिसंबर को होगा, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।